हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गणपति धाम जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने। तो अगर आपको भी गणपति बप्पा के दर्शन करना है तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम रास्ते में हैं। मम्मी कितना तेज धूप लग रहा है, देखिए सर पे पल्लू डाल दी है। देखिए पापा। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, धूप बहुत तेज है, फिर आपको ऑटो में दिखाते हैं। A few moments later, फ्रेंड्स हम लोग ऑटो में बैठे हुए हैं, गणपति धाम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको भी गणेश भगवान का दर्शन करवाएंगे और सभी देवता का करवाएंगे। इस समय उनका त्यौहार भी चल रहा है तो आप गणेश जी का दर्शन करना है तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। अपना भी खर्च नहीं है इसलिए ऑटो से जा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी दिन के बाद गणेश जी के धाम पे वहाँ जा रहे हैं गणपति धाम पे, जबकि बहुत दिन हो गया वहाँ जाने का, टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सोचा नहीं, अभी संडे तो ज़रूर दर्शन करने जाएंगे गणेश भगवान का, तो इसीलिए गणेश जी के भी फैमिली के साथ जा रहे हैं हम दर्शन करने। तो फ्रेंड्स ये देखिए गणपति धाम आ गए। फ्रेंड्स ये गणेश जी की मूर्ति बहुत बड़ी है और देखने बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स देखिए, अभी दूसरे मंदिर आए हैं, वो मंदिर गणपति धाम अभी बंद हो गया था, शाम को 4 बजे खुलेगा। तो अभी हम बगल में ही मंदिर था, दूसरे मंदिर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी तब तक लिए यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तब तक हमने सोचा यहाँ भी पूजा कर लेते हैं, ये भी क्योंकि भगवान जी ये मंदिर ही है। क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत लेट आए थे 12 बजे के, वो 12 बजे के बाद बंद हो जाता है गणपति धाम, तो इसलिए हम यहाँ भी बगल में। हाँ ये मंदिर था, ये फ्रेंड्स मंदिर है पर ये आश्रम भी है फ्रेंड्स, ये शिवलिंग। फ्रेंड्स अब जब गणपति धाम खुलेगा तब आप शाम को 4 बजे जाएंगे, अब तब तक यहीं रहेंगे। फ्रेंड्स सोच रहे थे कि अभी वापस अभी घर चले जाएँ, पर अभी हमने डिसाइड किया है तब तक अभी यहीं रहते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा आश्रम में घूम भी लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हनुमान जी कितनी सुंदर मूर्ति है, और फ्रेंड्स इनका नज़र देखिए नीचे की तरफ है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी हरी हरी तुलसी जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स गणपति धाम जो था हम थोड़ा लेट आए इसलिए बंद हो गया, अभी शाम को दर्शन करेंगे, पर इसलिए हम इधर आ गए। इस बगल में मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर है, अरे बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांत है बिल्कुल। आपको अंदर दिखाते हैं, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, शनिदेव। बाके बिहारी लाल की जय। फ्रेंड्स ये देखिए पापा अब जाके मंदिर से आए हैं, अंदर वो अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। पापा इतना टाइम क्यों लग गया? देखा फ्रेंड्स, मैं बोला था ना। A few moments later, तो फ्रेंड्स देखिए आखिरकार दिन गणपति धाम खुल गया। फ्रेंड्स हम सुबह 12 बजे के आए थे, अभी शाम के 4 से ऊपर हो रहा है, अब जाके ये खुला है। इतनी देर हम उस बगल वाले मंदिर में इंतज़ार कर रहे थे फ्रेंड्स, पर वो मंदिर बहुत शांत था। अब देखिए गणपति बप्पा के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। फ्रेंड्स देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, और फ्रेंड्स आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, आपको ऊपर मैं अभी बड़ी वाली मूर्ति भी दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी पापा प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जय गणेश भगवान। फ्रेंड्स आप लोग हमारा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए लड्डू गोपाल जी, फ्रेंड्स आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के। फ्रेंड्स इनका सेवा बिल्कुल बच्चों की तरह करना पड़ता है। मम्मी कितना खुश हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तरह तरह के शिवलिंग हैं, देखिए भगवान शंकर और पार्वती माता। तो देखिए फ्रेंड्स भगवान श्री रामचंद्र जी। तो फ्रेंड्स कितने भगवान श्री राम के भक्त ये व्लॉग देख रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए भगवान शंकर। तो फ्रेंड्स ये देखिए गणेश जी की कितनी बड़ी और सुंदर मूर्ति है। फ्रेंड्स हम लोग तो बस उनके नाखून के बराबर हैं, उससे भी छोटे हैं। फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बताइएगा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए शाम के 6 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए इसमें लाइटें भी लगी है, कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि फ्रेंड्स आरती ये हो चुका है, आरती में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैं ये आरती के बाद बना रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आरती में बहुत अच्छा लगा है, इतने अच्छे से आरती हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, उसके लिए हम दिखा नहीं पाए क्योंकि अलाउ नहीं था। और फ्रेंड्स यहाँ पर गणपति धाम में बहुत भीड़ होता है। और फ्रेंड्स आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं व्लॉग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोग भी यहाँ से बहादुरगढ़ से हैं तो आप लोग भी क्या गणपति धाम आए हैं कमेंट्स में बताइएगा। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स आज सुबह 12 बजे से हम निकले हुए हैं और अभी 7:50 हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं वैसे आज हम लोग बहुत थक। पर गणपति बप्पा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फ्रेंड्स जो आरती हो रहा था, आरती का समय वीडियो बनाना मना था तो हम नहीं बना पाए, जब आरती हो चुका है बाद में हमने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही मजा आया और आपने वो फुहारा वाला सीन देखा, कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा से हुआ गणपति बप्पा का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।